जितिन प्रसाद काफी दिनों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ब्राह्मण पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे थे। ब्राह्मण चेतना परिषद का संरक्षक बनकर धीरे धीरे वो कांग्रेस ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखे जाने लगे थे और ब्राह्मणों से जुड़े हर मुद्दे को उठाते देखे जा रहे थे। फिलहाल वो कांग्रेस की लखीमपुर खीरी यूनिट के प्रस्ताव को लेकर चर्चा में हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जितिन प्रसाद के खिलाफ एक्शन लेने का मौका खोजा जा रहा हो और हाथ लगते ही धावा बोल दिया गया हो। जितिन प्रसाद तो लगता है यूपी कांग्रेस के गुटबाजी की भेंट चढ़ गए हैं और हैरानी की बात यह है कि इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की मौन सहमति महसूस की जा रही है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने यूपी में अपने ब्राह्मण फेस को विवादित क्यों बना दिया है, वो भी तब जबकि 2022 को लेकर ब्राह्मण पॉलिटिक्स चरम पर है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए चलिए आपको सबसे पहले हम वो घटना बताते हैं जिसको लेकर जितिन प्रसाद टारगेट पर आ गए हैं। दरअसल विकास दुबे एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण वोट बैंक को रिझाने के चक्कर में जितिन प्रसाद ने ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर भी बयान दिया था, जिसमें ब्राह्मण होने के नाते टारगेट किए जाने का आरोप लगाया गया था। हो सकता है ब्राह्मण पॉलिटिक्स के नाम पर जितिन प्रसाद का ये बयान प्रियंका गांधी को ठीक न लगा हो। ऐसे में जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला बोल रही हैं, जितिन प्रसाद का विजय मिश्रा के पक्ष में दिया गया बयान तो पार्टी लाइन के खिलाफ ही जाता है। हालांकि ये तो ऐसे मामले हैं जिनमें हल्की सी हिदायत भी काफी होती है, प्रस्ताव की नौबत तो गंभीर लगती है। वैसे जितिन प्रसाद ब्राह्मण राजनीति को लेकर इस हद तक सक्रिय रहे हैं कि यूपी के विधायकों से विधानसभा सत्र में ब्राह्मण उत्पीड़न का मामला उठाने की अपील कर डाली थी। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुजारिश की है कि परशुराम जयंती पर स्टेट हॉलीडे को बहाल किया जाए। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि 23 लोगों ने कांग्रेस में चुनाव कराने और अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया गांधी को जो खत लिखा था उसमें जितिन प्रसाद भी शामिल थे और शायद इसीलिए उनको टारगेट पर लिया जा रहा है। लेकिन इस मामले पर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि चिट्ठी पर जितिन प्रसाद के अलावा 22 और लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन एक्शन सिर्फ जितिन प्रसाद पर ही क्यों हो रहा है? और सवाल ये भी है कि जितिन प्रसाद के खिलाफ एक्शन के बाद क्या कांग्रेस यूपी में ब्राह्मण वोटरों को रिझाने में कामयाब हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।